हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। देखो अधिकतर जितने भी साल मेरे को भी पढ़ाते हुए हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों को इसमें फियर रहता है कि सर बहुत हार्ड है, समझ नहीं आ रही और मेरा मानना है कि सबसे ईजी एक्सरसाइज है, केवल अगर हम कुछ स्टेप्स को फॉलो कर लें तो, और कुछ चीज़ें याद कर लें तो। अब याद कैसे, अगर जब तक तुम्हें ये चीज़ें याद नहीं होगी तुम इसको किसी कीमत पर भी नहीं कर सकते। तुम्हें आइडेंटिटीज़, देखो चैप्टर का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो यानी कि आइडेंटिटीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए। अब आइडेंटिटीज़ क्या है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इन दोनों के अगर थीटा सेम है और उसके ऊपर स्क्वायर लगकर प्लस है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर इधर से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर इधर रखा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी एक याद करी तो 2 ऑटोमेटिक बना ली। फिर अगली है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इधर से मैं कहूँ कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो 1 प्लस का उधर जाके माइनस का, अगर मैं बोलूं कि 1 की वैल्यू निकालो तो 1 इधर और ये उधर जाके माइनस का। इसी तरीके से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा इधर रहा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो मेन चीज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बहुत ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ ये वाले होंगे, ऑलमोस्ट सब में होता है ये वाला यूज़, अच्छे से याद कर लें। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हमने चैप्टर में पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो देखिए अभी आपकी सामने टेबल लिखी हुई है, ये पूरी इतनी बड़ी टेबल याद तो हम कर नहीं सकते, लेकिन एग्जाम में इसमें से कैसे आ सकता है क्वेश्चन, देखो समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ कि साइन जो इधर इस साइड लिखे हुए हैं, इस तरीके से जो लिखे हुए हैं यहाँ से, ये वाले साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, यानी कि इन सभी टर्म को साइन थीटा में लिखो। मैं कहता हूँ कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, मैं तो लिख लेता हूँ क्वेश्चन, मतलब कुछ भी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं मेरे मन से, कि एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो इन टर्म ऑफ साइन थीटा। क्या बोला मैंने, कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा में लिखो, किसमें लिखना है साइन थीटा में, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन टर्म ऑफ साइन थीटा, कि सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को साइन थीटा में लिखो। आपको एक चीज़ ध्यान होगी, मैंने जब चैप्टर 6 स्टार्ट करा था तो मैंने कहा था कि केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगती है, किसके अंदर लगती है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल से हमने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी थी, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सब नोट डाउन कर लें, अच्छे से याद कर लें इस चीज को, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन टर्म ऑफ साइन थीटा, यानी साइन थीटा को साइन थीटा में लिखना है, कोस थीटा को साइन थीटा में लिखना है, टेन थीटा को साइन थीटा में लिखना है, उसके बाद टेन थीटा के बाद कोसेक थीटा को साइन थीटा में लिखना है, सेक थीटा को साइन थीटा में लिखना है, और कोट थीटा को साइन थीटा में लिखना है। तो एक चीज़ मैं आपको वापस ये चीज़ भी लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को कराने के लिए, मैंने एक चीज़ बताया था ये चीज़ बताई थी मैंने, पंडित बोले पंडित हर हर बोले, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा और ये टेन थीटा, और हिंदी मीडियम वालों के मैंने बताया था लाल कक्का, यानी कि ये साइन थीटा ये कोस थीटा और ये टेन थीटा, इसके नीचे इसके रेसिप्रोकल। आप लोगों को ये ध्यान होने चाहिए सारे, ठीक है।
तो अब एक चीज बताइए, मैंने कहा था कि केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगती है, हमें साइन थीटा को साइन थीटा में लिखना है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा तो ऑलरेडी साइन थीटा में है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कि कोस थीटा को साइन थीटा में कैसे लिखें। क्वेश्चन क्या उठता है कि कोस थीटा को साइन थीटा में कैसे लिखें। मेरी बात सुनो, हमें चेंज किस में करना है, साइन थीटा में करना है। किस में करना है, साइन थीटा में करना है। क्या मैं इसके नीचे वन मान लूं, जिसमें चेंज करना है उसके नीचे वन मान लो। अगर यहाँ पे सेक थीटा चेंज करना होता तो हम यहाँ पे सेक थीटा के नीचे वन मान लेते हैं। तो साइन थीटा के नीचे जब वन माना तो अकॉर्डिंग टू हमारे इन फॉर्मूले से साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच। क्या होती है, पी अपॉन एच। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच के। तो एच के नीचे एच की इक्वल में देखो, अब पी इज इक्वल टू तो क्या हो गया, साइन थीटा, और एच इज इक्वल टू क्या हो गया, वन। यानी कि परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा साइन थीटा, और यानी कि लंब हो गया साइन थीटा और कर्ण हो गया एक। तो हमें अब निकालना है, देखो अगर मैं इसको अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, अगर मैंने परपेंडिकुलर साइन थीटा बोल दिया और हाइपोटेनियस वन बोल दी, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से बेस नहीं निकाल सकता। कैसे निकलता है बेस, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही तो होती है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब बेस निकालना है तो बेस स्क्वायर इधर रहेगा और ये परपेंडिकुलर इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। हाइपोटेनियस कितना है, वन, वन माइनस परपेंडिकुलर कितना है, साइन थीटा, और ये इसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो ये बी कितना निकल कर आ गया हमारे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वापिस सुनना क्या करा, हाइपोटेनियस कितना, वन, तो ये वन का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना, साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, और बेस स्क्वायर की जगह बेस स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर वन और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट, ये हमारे बेस की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें निकालना क्या है, कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा के बाद हमें टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा के बाद हमें सेक थीटा निकालना है, फिर कोसेक थीटा निकालना है, और फिर कॉट थीटा निकालना है। ये सारी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू इसके क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। बी कितना है, ये रहा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एच कितना है, वन, और वन के अंदर वन में किसी भी नंबर में वन का डिवाइड करो वही नंबर निकल कर आता है, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉस थीटा लिख लिया। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। पी कितना है, साइन थीटा, और बी कितना है, रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी देखो टेन थीटा के अंदर कोई भी टेन थीटा नहीं, सारी टर्म्स किस में है, साइन थीटा के अंदर है, तो हमने साइन थीटा में लिख लिया। उसके बाद हमें निकालना है सेक थीटा, क्या निकालना है, सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन बी। यानी कि इसका उल्टा, इसका उल्टा करते क्या होगा, वन अपॉन रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमें निकालना है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी, यानी कि इसका उल्टा, वन अपॉन साइन थीटा। फिर निकालना है हमें कॉट थीटा, जो कि क्या होता है, इसका उल्टा, यानी रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब तुम टेबल को मैच करो, साइन थीटा के फॉर्म में, फिर दूसरा है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर टेन थीटा है आपका साइन थीटा अपॉन रूट अपॉन में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा जो है आपके है वन अपॉन रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा आपके है वन अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरीके से ये पूरी टेबल बना सकते हैं। अभी हमने साइन थीटा की टर्म में लिखा, फिर हम इसको कोस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर हम इसको टेन थीटा की फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम इसको सेक की में, फिर कोसेक की में, फिर देन लास्ट कॉट की में। तो देखो अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो सब,
तो जी हाँ, क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सेक थीटा फॉर एंगल थीटा। यानी अब के हमें किस में लिखना है, सेक थीटा में लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब के हमें किस में लिखना है, सेक थीटा में। तो मैंने कहा था कि जिसमें भी लिखना है उसके नीचे वन मान लो, सेक थीटा के नीचे वन मान लिया। इधर से सेक थीटा का फॉर्मूला निकाल लो, एच अपॉन बी। क्या निकाल लिया, एच अपॉन बी। हिंदी मीडियम वाले क्या निकाल लेंगे, के अपॉन ए। अब देखो तुम्हारे पास एच है और बी है, तो रह क्या गया, पी रह गया, यानी परपेंडिकुलर यानी कि लंब रह गया। तो तुम कैसे निकाल लोगे, देखो हाइपोटेनस कितनी है, सेक थीटा, बेस कितना है वन। देन तुम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाओगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच कितना है, सेक थीटा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है फाइंड आउट करना है, बेस कितना है वन, वन का स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का वन है तो इधर आएगा माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो ये पी की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी कितना है, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन एच कितना है, सेक थीटा। ये आ गया देखो सब सेक थीटा के अंदर। उसके बाद जैसे इसका उल्टा निकालना है, यानी कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का जैसे इसका उल्टा कर दो, सेक थीटा अपॉन रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कर लिया। उसके बाद बात करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला निकालो क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी कि इसका उल्टा, वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा तो ऑलरेडी है। अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी। तो पी कितना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन वन। अब बात करते हैं कोट थीटा की। तो कोट थीटा में जैसे इसका उल्टा, वन अपॉन रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये हमारे निकल कर आ गया सेक थीटा की फॉर्म में सारे। यानी देखो अब टेबल को मैच करते हैं, सेक थीटा वाली फॉर्म निकालो, कहाँ है ये रही सेक थीटा की, ये रही। सबसे पहले साइन थीटा को लिखा गया है सेक स्क्वायर थीटा, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा, करेक्ट है। फिर वन अपॉन सेक थीटा, करेक्ट है। फिर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद इसने वो लिखा है कोट थीटा को, वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, बिल्कुल सही है। फिर सेक थीटा तो सेक थीटा में है ही। फिर कोसेक को लिखा सेक थीटा अपॉन में रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर हमें केवल और केवल तीन को ही चेंज करना है, साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को कोट थीटा में। तो वही वाली बात कि यहाँ पे सेक थीटा की जगह क्या जाएगा, कोट थीटा। और यहाँ फॉर्मूला किसका लग जाएगा, बी अपॉन पी का। किसका लग जाएगा, बी अपॉन पी का। यानी अब तुम्हें हाइपोटेनस निकालनी है, तो हाइपोटेनस आ जाएगी तुम्हारी वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हाइपोटेनस आने के बाद इन तीजो छः की जगह बस तीन में लगा देना, इतना तो करना ही है, यहाँ तक तो करना ही है पाइथागोरस थ्योरम तक। बस ये छः वैल्यू निकालने की जगह जो उसने तीन पूछी वो निकालनी है। तो सेकेंड क्वेश्चन बहुत ईजी है। आइए अब हम इसकी मेन एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, जिसमें एग्जाम में मोस्टली हमेशा, कितने ही साल हो गए, हर साल इसमें से छः नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। 2012 से इसके अंदर छः नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जब से ये सिलेबस आई है, सिलेबस में आया है। सिलेबस में तो आपको बहुत पुराना है ये वैसे, पर 2012 से इसके अंदर छः नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे पहले का मुझे पता नहीं, ठीक है। तो देखो अब मैं तुम्हें इन क्वेश्चंस को करने से पहले प्रूफ डेट, जहाँ पे भी प्रूफ डेट लिखा हुआ था, तो उन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। प्रूफ का मतलब होता है कि दोनों साइड इक्वल लेकर आनी है, दोनों साइड इक्वल लेकर आनी है। अब दोनों साइड इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इक्वल लाने के लिए हमें इन आइडेंटिटी जो है, ये सारी आइडेंटिटीज जो हैं, इनका खेल है सारा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ
कि सबसे पहला जो आपका काम होगा, सबसे पहले जो आपका काम होगा वो काम होगा आपका कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनको साइन और कोस में चेंज करो, उनको साइन और कोस में चेंज करो। जैसे हम 10 को साइन और कोस में चेंज करना चाहेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर मैं कोस थीटा को चेंज करना चाहूँगा तो क्या लगाऊंगा, यहाँ गलती है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखना, तो को थीटा को मैं क्या लिख लूँगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर मैं कोसेक थीटा को चेंज करना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, वन अपॉन साइन थीटा। अगर मैं सेक थीटा को चेंज करना चाहूँगा तो वन अपॉन कोस थीटा, यानी या तो साइन में हो या फिर कोस में हो या फिर दोनों में हो, साइन और कोस में। चलो ठीक है, अगर हम चेंज होता होगा तो हम कर लेंगे। अगर सर ऑलरेडी वो साइन और कोस में हो तो क्या करोगे, अगर जब वो क्वेश्चन अगर मतलब साइन और कोस में ही है तो उसके बाद हमारे पास जनरल कैलकुलेशन बचती है, जैसे कि एलसीएम लेना, जैसे कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी हरों का परिमेयकरण करना, या ए प्लस बी का ऑल स्क्वायर, जो जनरल कैलकुलेशन होती है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आप लोगों के समझ में आता रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, अभी आपके समझ में आएगा, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये LHS, ये RHS, ठीक है, LHS उतार लो भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, इस वाले से ये लेकर आना है। सबसे पहली स्टेप, सर आपने बताया था कि कोई टर्म अगर चेंज होती हो तो चेंज करो, जैसे ये cos स्क्वायर थीटा में है, ये cos स्क्वायर थीटा में, ली cot स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में इसको चेंज कर सकते हो देखो। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि इन दोनों में कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है तो आप कॉमन क्यों नहीं ले रहे हो, इन दोनों में से अगर मैंने कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, जब मैंने कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, वन बच गया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, कोट स्क्वायर थीटा, तो मैंने क्या लिख दिया, कोट स्क्वायर थीटा। अब मैंने देखा कि यह वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, तो मैंने इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब एक चीज मैं ये भी जानता हूँ, अब बात आती है कि जो चेंज हो, जिसको किस में चेंज करना है, साइन और कोस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं किस में चेंज करूंगा, वन अपॉन साइन थीटा में, किस में चेंज करूंगा, वन अपॉन साइन थीटा में, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मैं जानता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है, यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, कोट थीटा के, लेकिन इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, और यही तो लाना था, यानी यही तो हमारा RHS है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा हैंड्स प्रूव्ड यानी इतनी सिद्धम हो चुका है। क्लियर हुई बात, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ईजी था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, आइए देखते हैं, बस याद रहे कि जो हम चेंज कर सकते हैं उसको चेंज करना है, उसके बाद हमें आइडेंटिटी लगानी है, फिर उसके बाद हमें जनरल कैलकुलेशन करनी है, जो भी चीज़ आपको लगता है कि हम इसमें ये कर सकते हैं वो करो, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें,
इस वाले से वन लेकर आना है। तो सबसे पहले LHS ले लो, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले साइन और कोस में चेंज करो, तो सेक को किस में चेंज कर सकते हो, वन अपॉन कोस थीटा में, लिख दो वन अपॉन कोस थीटा। इस तो अब इसकी तो ऑलरेडी साइन थीटा में, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे के ऐसा ही लिख लेते हैं, वन माइनस साइन थीटा। उसके बाद वापिस सेक थीटा आया, तो सेक थीटा को आप तो लोग क्या लिख सकते हो, वन अपॉन कोस थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर चेंज कर लिया, उसके बाद क्या करें, अब जनरल कैलकुलेशन हम जानते हैं कि वन अपॉन कॉस थीटा तो ऐसा कैसा, वन माइनस साइन थीटा ऐसा कैसा। जब भी कोई दो फ्रैक्शन यानी दो भिन्न प्लस और माइनस में होती है तो हम LCM लेते हैं। अब दो नंबर का LCM कैसे होता है, जैसे इसके हर समान है, डिनोमिनेटर समान है, सेम है, तो कोस थीटा ऐसा कैसा, और इन दोनों को प्लस करके लिख दो, वन प्लस साइन थीटा। ये तो मेथड है जब डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि वन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री हो, तो कैसे करोगे, थ्री एक बार नीचे और इन दोनों को प्लस करके ये वन। लेकिन जब अलग अलग हो, जैसे वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू होता, तो कैसे करते, इन दोनों का मल्टीप्लाई, थ्री टू जा सिक्स इधर, इसको मल्टीप्लाई इसे, टू वन जा टू, थ्री वन जा थ्री, तो 5/6। ये डिफरेंट डिनोमिनेटर का है, अभी हमारा डिनोमिनेटर सेम था इसलिए हमने कर दिया। अब चीज सुनो, मेरी एक बात सुनो, अगर मैं इसके नीचे 1 मान लेता हूँ तो तीनों नंबर मल्टीप्लाई के अंदर हो गए। तो देखो अब बीच बीच में हमारी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी लगेगी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो वन अपॉन कोस थीटा ऐसा कैसा, देखो वन अपॉन कोस थीटा और कोस थीटा, कोस थीटा को वन से मल्टीप्लाई करा कोस थीटा, कोस थीटा को कोस थीटा से करा तो कोस स्क्वायर थीटा। अब सुनना, ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर थीटा के। देखो आइडेंटिटी याद होना बहुत जरूरी है, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया वन, और यही तो हमारा RHS है, हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट, ठीक है, आया समझ में। आइए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। वही सबसे पहले LHS नोट डाउन कर लो, अब देखो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, कि हमें कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा लेकर आना है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मैंने कहा था कि साइन और कोस में चेंज करो, तो कोसेक को साइन और कोस में चेंज करने के लिए कोसेक की वैल्यू वन अपॉन साइन थीटा होती है, मैं जानता हूँ, तो इसको लिख लूँगा मैं वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर की मैं जानता हूँ वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब सर अब तो चेंज हो गया, उसके बाद कोई बात नहीं, फ्रैक्शन है प्लस माइनस है तो LCM लेंगे। अब जब दो अलग अलग डिनोमिनेटर का LCM लेना, क्या बताया था, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई है, यानी साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा का इमेज,
इसको तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं जानता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो मैंने क्या लिख दिया, वन अपॉन, क्यों होती है मैं जानता हूँ, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, देन टू वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके अगर मैं वन इंटू वन भी बोलूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी वन इसके नीचे भी है, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डॉट वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, वन अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल है, कोसेक थीटा के। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, कोसेक थीटा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर थीटा। यही तो हमारा RHS है, यानी हमारा क्वेश्चन इतिसिद्धम यानी हैंस प्रूव हो चुका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थोड़े अलग हैं, मैं इनको बाद में कराऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 23 के साथ, तो आपको आपको ध्यान रहे कि क्या करना है, और 7 क्यों अलग है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम पहले। अब एग्जाम में से ये एक्सरसाइज 6 से 8 नंबर के बीच में आती है, तो 6 नंबर के तो इस प्रूव करने वाले क्वेश्चन 101% आते हैं। ठीक है, कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना आप, तो आप इसको अच्छी तरीके समझने की कोशिश करें। देखो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल्स टू टेन एल्फा डॉट टेन बीटा। केवल थीटा की जगह एल्फा बीटा दे दिया, जो कंफ्यूज नहीं होना, वही सबसे पहले हमने LHS लिया, यानी टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा। देखो अब टेन एल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने कहा था सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे एल्फा है तो मैं क्या लिख दूंगा, साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा प्लस, इसी तरीके अगर बीटा है तो केवल साइन बीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन, इस कोट को क्या लिख दूंगा मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बस इधर एल्फा है तो एल्फा लिख देंगे, कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस कोट बीटा को क्या लिख दूंगा मैं, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। कि सर अब चेंज कर लिया, अब उसके बाद जनरल कैलकुलेशन एलसीएम ले लो, पहले इन दोनों का एलसीएम फिर इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम देखो ये अपॉन वाली लाइन तो ऐसी कैसी है, अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ तो ये एलसीएम, दो अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, यानी इन दोनों का तो मल्टीप्लाई है, कॉस एल्फा डॉट कॉस बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एल्फा डॉट कॉस बीटा प्लस साइन बीटा को कॉस एल्फा से करेंगे तो साइन बीटा डॉट कॉस एल्फा। अब इस नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, साइन एल्फा डॉट साइन बीटा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बीटा डॉट कॉस एल्फा प्लस इस वाले को इससे करेंगे तो कॉस बीटा डॉट साइन एल्फा, कर लिया मल्टीप्लाई। अब आइए अब देखते हैं हम आगे, एक मिनट में मार करके इंक ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये इक्वल इक्वल, अब ये चीज़ है हमारे पास, तो अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, दो बार अपॉन हो रहा है ना, यानी जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी देखो साइन एल्फा डॉट कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, इधर लिख लेता हूँ, साइन एल्फा डॉट कॉस बीटा प्लस साइन बीटा डॉट कॉस एल्फा अपॉन कॉस एल्फा डॉट कॉस बीटा, ये ऊपर वाला आ गया। अब ये इनटू, ये अपॉन हटाएंगे तो इनटू साइन एल्फा डॉट साइन बीटा, साइन एल्फा डॉट साइन बीटा अपॉन साइन एल्फा डॉट कॉस बीटा, पहले इसको लिख लेते हैं साइन एल्फा डॉट कॉस बीटा, क्योंकि प्लस का साइन है,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन बीटा डॉट कॉस एल्फा, साइन बीटा डॉट कॉस एल्फा। देखो केवल चेंज करने के बाद एलसीएम लिया जो हम सिक्स सेवन्थ क्लास में करते हुए आ रहे हैं, फिर करते हैं साइन एल्फा कॉस बीटा साइन प्लस साइन, ये बिल्कुल इससे ये कट गया, तो क्या बच गया साइन एल्फा डॉट साइन बीटा अपॉन कॉस एल्फा डॉट कॉस बीटा। तो इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ क्या होती है टेन एल्फा, इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ क्या होती है कॉस बीटा टेन बीटा, तो हमें यही तो लाना था टेन एल्फा डॉट टेन बीटा आर एच एस, यही तो लाना है टेन एल्फा डॉट टेन बीटा। ये हमारा इजी क्वेश्चन हो चुका बिल्कुल, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सबसे पहले आपको आइडेंटिटी याद करनी है और फिर इसको अप्लाई करना, बहुत इजी एक्सरसाइज है। थैंक यू, बाय।